यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये एक मोनोकोमेटिक लाइट है मोनोकोमेटिक मतलब सिंगल कलर इसके सामने एक स्क्रीन रखें विद अ स्लिट होल इस स्लिट को नाम दे देते हैं सी यहाँ से गुजरने वाली लाइट के सामने एक और स्क्रीन रखें जिसमें दो स्लिट्स हों एंड बी स्लिट ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और सी के पैरेलल हैं स्लिट ए और बी एक्ट करते हैं एज टू कोहरेंट सोर्सेज ये वेव्स हैं और ये इसके स्प्लिट होने से वेवलेट्स एक स्क्रीन को इन स्लिट्स ए एंड बी से डिस्टेंस एल पर रखा जाता है सुपर पोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस होती है जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ ब्राइट फ्रिंजस फॉर्म होती हैं और जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, है वहाँ पे डार्क फ्रंजेस फॉर्म होती हैं अब एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। ए एंड बी स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम कह देते हैं डी स्लिट्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है एल और स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है ओ जो वेव्स स्लिट ए और स्प्लिट बी से पॉइंट ओ तक पहुंचती हैं वो एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं यानी पार डिफरेंस ज़ीरो होता है इस वजह से सेम फेज में पहुंचती हैं यानी क्रेस्ट एक साथ पहुंचते रहें या फिर ट्रफ जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और ब्राइट फिंच ऑब्जर्व होती है अब स्क्रीन पे एक पॉइंट पी लें यहां तक पहुंचने में स्लिट ए से आने वाली वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जबकि स्प्लिट बी से आने वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम एस कह देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो पॉइंट पी पे ब्राइट रीजन होगा बशर्ती है कि पार्ट डिफरेंस एस मल्टीपल ऑफ लेमडा हो यानी जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा फोर लेमडा जैसे अभी देखें ये वेव थी फिर इसके साथ ये वेव थी ये वेव वाली वेव जो है इसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है एक वेव लेंथ ठीक है जब ये पॉइंट जीरो पर इन्होंने इंटरफेयर किया था आपस में तो दोनों की एक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो ज़ीरो लेमडा था अगर एक लेमडा से ज़्यादा टू लेमडा वेवलेंथ भी हो तो दोनों के क्रेस्ट या ट्रफ मीट करेंगे ऊपर जाके ठीक है इस डायग्राम को लाइन डायग्राम बनाकर फार्मूला निकालते हैं स्लिट ए और बी के सेंटर को देखें यहाँ पे हम पॉइंट ई ले, ले लेते हैं ये है लाइन ई पी पॉइंट ए से लाइन बी पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पॉइंट को पॉइंट क्यू कह दें लाइन ई ओ और ई पी के बीच में जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं थीटा पार्ट डिफरेंस है बी क्यू जिसे हमने एस कहा है जो कि यहाँ पे वन वेवलेंथ थी यानी लेमटा जबकि सेंटर पॉइंट ओ पे पार्ट डिफरेंस ज़ीरो था जबकि मजीद टू लेमडा थ्री लेमडा पार डिफरेंस भी हो सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अगर पॉइंट पी पॉइंट ओ के बिल्कुल करीब होता तो एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता ऑलमोस्ट जीरो के केवल ऐसी सूरत में ये एंगल भी बहुत स्मॉल होगा जीरो के करीब करीब लिया इसको भी हम थीटा कह देते हैं क्योंकि उसी के इक्वल होगा अब यहाँ देखें हम इनको लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू तो एस इज इक्वल टू तो एम लेमडा और एम की वैल्यू हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऊपर होती है वैसे ही नीचे की तरफ भी होगी अब यहाँ फोकस करें ये इन लार्ज व्यू है साइन थीटा होता है किसके बराबर सम पीपल हैव से याद करें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाई तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है एस और क्योंकि वो थीटा के ऑपोजिट है और हाइपोर्टिनियस जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होता है तो वो क्या है यहाँ पे हाइपोटिनस डी तो इसको अभी हम लोग रीअरेंज करें तो एस इज इक्वल टू डी थीटा बन जाता है और फाइनली फार्मूला एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा क्योंकि एम लेमडा हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो ये रहा ब्राइट फ्रेंजेस का फॉर्मूला सेंटर पॉइंट ओ पे जीरो ऑर्डर फ्रेंज होते हैं जबकि एम प्लस माइनस वन पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑब्जर्व होगी अबव एंड बिलो द सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे ये अंदाजा हो जाता है कि डार्क फ्रिंजेस कहाँ प्रोड्यूस होंगी जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एम की वैल्यू होगी प्लस हाफ या प्लस माइनस वन एंड हाफ़ जिसको थ्री बाई टू भी लिखते हैं या प्लस माइनस टू एंड हाफ़ जिसको फाइव बाई टू भी लिखते हैं तो यहाँ फार्मूला बनेगा डार्क फ्रिंचज का एम प्लस हाफ लेमटा इज इक्वल टू डी बाई डी साइन थीटा ठीक पूरे फॉर्मूले में सिर्फ यही फर्क है कि एम के साथ प्लस हाफ लगा दिए और एम की वैल्यूज वही होंगी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह पिक्चर को समझें ये दो वेव्स हैं देखें दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है ये, ये इस पॉइंट से लेकर एक क्रेस्ट ही एडिशनल है जो कि यहाँ पे एंड पे भी नजर आ रहा है कि ये क्रेस्ट आ रहा है इस पॉइंट पे और यहाँ पे ऊपर वाली वेव का ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ और क्रेस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और डार्क फ्रिंज बनती है अब इन टू ट्रायंगल्स को देखें पहला ये वाला पी ई ओ और दूसरा ये वाला ए बी क्यू दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं इनकी मदद से हम पोजिशन ऑफ फ्रिजेस निकालते हैं ऑन द स्क्रीन ट्राइंगल ए बी क्यू के परपेंडिकुलर और हाईपोर्टिन्यूस को ट्राइंगल पी ई ओ के परपेंडिकुलर और हाईपोर्टिनूस से डिवाइड करेंगे ए बी क्यू ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है एस जबकि पी ई -E ओ ट्राइंगल में पी ओ परपेंडिकुलर है जो कि इक्वल है वाई के इसी तरह ए बी क्यू ट्राइंगल में हाईपोटिनूस है ए बी जिसको हमने डी लिखा हुआ है और ट्राइंगल पी ई ओ में हाई है पी ई क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है लिहाजा पी ई इज इक्वल टू ई ओ इज इक्वल टू जिसको हमने कहा हुआ है एल और इसको आगे फर्दर डिराइव करें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है एस डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू डी ये तो एज इट इज ही आ गया और पी ई e की जगह हम लोगों ने लिख लेना है एल इसको री अरेंज करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइडेड बाई डी तो ये है हमारी फ्रेंच पोजीशन का फार्मूला और इस फार्मूले को याद रखने का तरीका है कि डायग्राम में जो आपने लेबल किया है इसे इसी तरह से हमेशा किया करें और राइट टू लेफ्ट डायग्राम के लेबल्स को देखें वाई इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय डी तो ये एक याद रखने का तरीका है अब अगर हमने कोई भी एम्थ ब्राइट फ्रिंज या एम्थ डार्क फ्रिंज की पोजिशन ढूंढनी हो तो उनके फॉर्मूले होंगे एल एमटा बाई टू तो दोनों में आएगा दोनों में कांस्टेंट होगा ये तो ब्राइट फ्रिंज में एम और डार्क फ्रिंज में एम प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे एम की वैल्यूज हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड ऑन so अब देखते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग कितनी होगी बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज या बिटवीन टू डार्क फ्रिंज दोनों केसेस में वही जो चीज़ कॉमन है दोनों के फार्मूला में एल लेमडा बाई टू देखें पहली फ्रिंज इस पोजीशन पे बनी है जीरो पे फिर अगली वन एल लेमडा बाई टू अगली बनेगी टू एल लेमडा बाई टू अगली बनेगी थ्री एल लेमडा बाई टू पर इसी तरह जो डार्क फ्रिजेज होंगी वो पहली बनेगी हाफ एल लेमडा बाई टू दूसरी बनेगी वन एंड हाफ एल लमडा बाई टू अगली बनेगी टू एंड हाफ एल लमडा बाय टू तो ये इस तरीके से फ्रिंजेस बनेगी आखिर में आपको टू वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी एनिमेशन है आपके कॉन्सेप्ट मजीद पक्के हो जाएंगे उनको देखकर